उत्तर प्रदेश विधानसभा में 5 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य का बजट पेश किया है। इस बजट के पेश होते ही योगी सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया है। ये बजट अब तक राज्य का सबसे बड़ा बजट है। बजट पेश करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। इसके बाद बजट को विधानसभा में पेश किया गया। हालांकि सरकार के इस बजट पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने तंज कसा है। शिवपाल यादव ने कहा कि बजट से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है, इससे सरकार के कुछ लोगों की कमाई होगी। भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम पर है। ये अधिकारियों के भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला बजट है। देखिए, हर वर्ष ये सरकार लाई है, लेकिन खर्च कर नहीं पाते हैं, वही है बजट। और पूरा का पूरी देखिए झूठ, और जो अधिकारियों का बनाया हुआ बजट, जनता का कोई भला होने वाला नहीं। धर्मार्थ मार्ग को लेकर जो सामने सब बजट में देखिए भ्रष्टाचार, इसमें कमाई होगी कुछ अधिकारियों की, कुछ लोगों की, और ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर इस सरकार में। हालांकि बजट पेश होने से पहले अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि किसान की आय दोगुनी होगी। बेरोजगार नौजवानों के रोजगार का और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सुरक्षा का बजट होगा, इसलिए काम का बजट होना चाहिए था, नाम का बजट नहीं। बता दें कि सीएम योगी की मौजूदगी में वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश किया। बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। यूपी के इस वित्तीय वर्ष के बजट में 5,32,655 करोड़ 33 लाख रुपए का खर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।